धर्माचार्य सेवा फाउंडेशन राष्ट्रीय सेवक संघ के धर्मेंद्र पंडित ने अवैध मीट की दुकान के संचालित होने पर जिला मुख्यालय के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपनी बात रखेंगे और अगर प्रदर्शन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। आरएसएस भारत द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश संगठन मंत्री धर्मेंद्र पंडित राष्ट्रीय व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष गुड्डू भाई के नेतृत्व में अवैध मीट की दुकानों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। संगठन मंत्री ने कहा कि आगरा शहर में हजारों अवैध विरुद्ध मीट की दुकानों पर चल रही हैं, जिनके पास ना तो निगम का लाइसेंस है और ना ही ये सरकार द्वारा तक किसी भी मानक का पालन करते हैं। लोग अवैध रूप से पशुओं को कार्टन करते हैं। पूर्व में कई बार इस संबंध में नगर आयुक्त से मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिला मुख्यालय पर भी कई बार ज्ञापन दिया मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर अब कोई कार्यवाही नहीं होती तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कार्यवाही की मांग करेंगे। आज ज्ञापन हम लोग आगरा में चल रहे हजारों अवैध मीट की दुकानों को लेकर के सौंप रहे हैं। हम लोग पूर्व में इन दुकानों के विरुद्ध कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार इन्हें बंद करा चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस के संरक्षण में और संबंधित विभाग के अधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण ये दुकानें फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाती हैं। ये लोग इन दुकानों की आड़ में गौकसी भी करते हैं, प्रतिबंधित मांस भी बेचते हैं, न सरकार को कोई लाभ होता है न कुछ होता है, और महीनेदारी इन लोगों से स्थानीय पुलिस थाने चौकियों द्वारा वसूली जाती है। आज हम माननीय जिलाधिकारी जी को छठवीं बार इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं, कप्तान साहब को भी इस संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे फिर? अगर यहाँ कार्यवाही नहीं होती तो फिर अगली बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार लखनऊ पहुँचेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।